Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do the gravitation chapter of class 9th. So there are two scientists, first of all the Johann Kepler and the second one we have the Sir Isaac Newton. Johann Kepler ne law of planetary motion diya tha, which is divided into three laws. First one is the law of orbit, second one law of areas, and the third one is law of time period. So जो जोहान कैपलर के जो लॉज हैं वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है. We will talk about the Sir Isaac Newton's law. ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. सेकेंड वन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपलर लॉज, ये हमारे नहीं है अभी, बट पीपीटी के अंदर आपको दे रखे हैं तो मैं आपको करवा दूंगा. सिक्स वन न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड एंड थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, मास एंड वेट, थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूड्स एंड बियॉन्ड सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो दीज टॉपिक्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. So first of all, if we talk about what is gravitational force, so a force is necessary to produce motion in a body. जो force होता है एक kind एक तरह का push या pull होता है जो कि क्या करता है, object की position, direction या shape change करता है या change करने की कोशिश करता है. A body dropped from a height falls towards the earth. It indicates the earth exerted a force of attraction called gravity on the body. आपको पता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे वो थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाती है एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद. ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज नोन एज ग्रेविटी. उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं. इन फैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर. जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं ये सभी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. The force with which the earth pulls the object toward it is called gravitational force of the earth or gravity. जिस फोर्स से जो अर्थ है वो अपनी बाकी की जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है उनको अपनी तरफ खींचती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बोलते हैं या फिर ग्रेविटी बोलते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन. इसी फोर्स की वजह से जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करती है. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस किस जो ग्रेविटी है वो हमारी किस तरह से हेल्प करती है. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून कॉजेस टाइड्स इन द सी. टाइड्स क्या होते हैं? जो वॉटर का लेवल होता है सीज के अंदर, ठीक है, वो कम या ज्यादा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं. ठीक है, यदि इफ देयर इज ए राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इट इज नोन एज हाई टाइड, एंड इफ द लेवल ऑफ वाटर ड्रॉप्स देन इट इज नोन एज लो टाइड. आफ्टर दैट वी हैव टाइड टाइप दैट इज स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, जो कि आप 7th-8th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं. A few facts about lunar tides. The gravitational force of the moon is 1/10 millionth of the earth. But when you combine other forces such as earth's centrifugal force created by its spin, you get tides. आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर भी घूमती है और जो सन है उसके चारों ओर भी घूमती है. बट यदि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें किसके साथ, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है वो 1/10 millionth अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है. द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ इज ओनली 46% दैट ऑफ द मून, मेकिंग द मून द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द क्रिएशन ऑफ टाइड. यदि हम सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें जो कि अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो 46% है जितना मून, ठीक है, किसके ऊपर काम करता है, जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ पर काम करता है. द सन ग्रेविटी आल्सो प्रोड्यूस टाइड्स बट
Since the forces are smaller as compared to the moon, the effects are greatly decreased. यदि हम बात करें सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो भी टाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, बट जो फोर्सेस होते हैं वो स्मॉलर हो जाते हैं यदि हम मून के कंपैरिजन की बात करें. ठीक है, सो जो उसका जो इफेक्ट होता है, जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू द मून. टाइड्स आर नॉट कास्ट बाई द डायरेक्ट पुल ऑफ मून्स ग्रेविटी. द मून is pulling upward on the water while the earth is pulling down. Slight advantage to the moon and thus we have tides. यदि हम बात करें कि जो tides हैं वो कैसे बनते हैं, ऐसा नहीं होता कि moon जो है, moon का जो gravitational force है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है तो उसकी वजह से tide बनते हैं. जो moon का gravitational force होता है वो उसको ऊपर की तरफ खींचता है, but जो earth का gravitational force है वो उस पानी को नीचे की तरफ खींचता है. तो इसी की वजह से हाई टाइड एंड लो टाइड बनते हैं. व्हेनेवर द मून, अर्थ एंड सन आर अलाइंड, द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द सन एड्स टू द मून, काजिंग मैक्सिमम टाइड. जब तीनों के तीनों, यानी कि मून, अर्थ और सन, एक लाइन के अंदर आ जाते हैं, तो जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम ही करता है अर्थ पर, बट जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइड्स बनते हैं. व्हेन द मून इज एट फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर फेज, मीनिंग दैट इट इज लोकेटेड एट द राइट एंगल्स टू द सन लाइन, द सन एंड द मून इंटरफेयर ईच अदर इन प्रोड्यूसिंग टाइडल बल्जेस एंड टाइड्स आर जनरल वीकर. देयर इज दीज आर कॉल्ड नीप टाइड. यदि हम बात करें सन, अर्थ और मून, ठीक है, वो तीनों के तीनों यदि एक राइट एंगल बनाते हैं तो उस टाइम पर नीप टाइड्स बनते हैं, जो कि बहुत कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं. ऑफ शोर इन द डीप ओशियन द डिफरेंस इन द टाइड्स इज यूजुअली लेस देन 1.6 फीट. द सर्फ ग्रोज व्हेन इट अप्रोचेस ए बीच एंड द टाइड इंक्रीज. इन बेज एंड एस्चुरीज दिस इफेक्ट इज एम्पलीफाइड. बे, खाड़ियां, आपने एसएसटी के अंदर पढ़ा होगा, एक खाड़ी क्या होती है जो कि तीन ओर से क्या होती है, पानी से घिरी होती है. ठीक है, तो उसको हम जनरली बे बोलते हैं, खाड़ी. जैसे कि हमारे पास कच्छ की खाड़ी है जो कि गुजरात में अवेलेबल है. सो उस टाइम पर जो टाइड्स होते हैं, यानी कि पानी का जो लेवल होता है ऊपर गिरना और नीचे, तो वो जो है, जो टाइड्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. द हाइएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड आर एट द बे ऑफ फंडी विच इज located in Nova Scotia, Canada. जो सबसे ज़्यादा tides हैं उनकी जो height है, यानी कि वो कहाँ पर बनते हैं, वो Nova Scotia, Canada के अंदर बनते हैं. Because the earth rotates on its axis, completes one orbit in every 25 hour, not to be confused with moon's 27-day orbit around the earth. We get two tidal peaks as well as two tidal troughs. These events are separated by about 12 hours. So, first topic हमारा complete हो चुका है कि gravitational force of earth, यानी कि gravity क्या होता है और वो क्या क्या effects cause करती है. उसके बाद है हमारा Newton's universal law of gravitation. Everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between them. The direction of force is along the line joining the center of the two bodies. Suppose we have an object of mass m1 and another m2 and they have r distance between their centers. So we have two bodies A and B. The mass of A is m1, mass of B is m2. और दोनों के बीच, सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r. और हम मान के चल रहे हैं कि जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, फोर्स है F, इन दोनों के बीच काम कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस. Which means F is directly proportional m1 multiplied by m2. This is the mass of object A and this is the mass of object B.
सेकेंड स्टेटमेंट ये हो जाएगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, विच मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r². सो आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2/r², और एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में साइन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 into m1 m2/r², वेयर जी इज ए कॉन्स्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट, वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, दे आर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे होते हैं और वो किस तरह से बिहेव करते हैं, यदि हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. मैग्नेट्स के बारे में बात करें हम तो मैग्नेट्स के अंदर दो पोल होते हैं, जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल या साउथ पोल या साउथ पोल, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. और जो अपोजिट पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो इट इज ऑलवेज, इफ यू टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर. इट इज ए म्यूचुअल फोर्स, फर्स्ट बॉडी अट्रैक्ट्स द सेकेंड बॉडी एंड द सेकेंड बॉडी अट्रैक्ट्स द फर्स्ट बॉडी विद इक्वल फोर्स. नेक्स्ट, इट इज ए सेंट्रल फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज. जैसे हमने बात की थी कि m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस नहीं लेनी है हमने, हमने m1 और m2 के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लेनी है जो कि r हो जाएगी. इट इज ए मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट. जैसे कि आपको पता है कि f किसके इक्वल होता है, m1 m2, यानी कि मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस पे भी, दोनों के बीच डिपेंड करेगा. यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही कम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो कम होगा. आफ्टर दैट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दैट इज जी. आपको पता है कि जो एफ है वो किसके इक्वल होता है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. यहाँ से यदि हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो उस तरह हो जाएगा हमारे पास एफ आर स्क्वायर इंटू एम वन एम टू, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास. द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दैट इज जी इज 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन. आर रेडियस लेंथ एक टाइप से, सॉरी आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर. सो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया. अब जो डिवाइड में होते हैं उसको हम पर से लिखते हैं, मास इंटू मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम दैट इज किलोग्राम स्क्वायर, तो ये पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज, आइदर दे हैव एयर बिटवीन देम और दे आर प्लेस्ड बिटवीन वैक्यूम. द वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड हेंस द नेम. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. देखो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है उसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं और इसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं, बोथ आर डिफरेंट. यदि आप ये समझो कि जी और जी सेम है, ये सेम नहीं होते. एसआई यूनिट ऑफ जी दैट इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच एंड सेपरेटेड बाई 1 m, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देखो यहाँ पर यदि हम डिस्टेंस को 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, मास 1 × 1, तो यहाँ पर ये टोटल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो गई हमारे पास. तो जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल. इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच आर सेपरेटेड बाई 1 m फ्रॉम ईच अदर, देन एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन. Though the various objects on this earth attract one another constantly, they do not cause any visible motion because the gravitational force of attraction between them is very, very small. यदि हम बात करें कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स की तो वो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बट वो बहुत ही कम होता है जो कि हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं. इमेजिन ए सिचुएशन ऑन द अर्थ इफ द ऑब्जेक्ट continuously move towards each other due to gravitational force between them. When both objects are very big,
having very large masses, then the gravitational force between them becomes extremely large. मान लो हमारे पास दो buildings हैं और दो buildings बहुत बड़ी बड़ी buildings हैं और वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, attract कर रही हैं, तो उनके बीच जो force of attraction होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो force of attraction है, ठीक है, वो किसके proportional होता है, mass के proportional, directly proportional होता है, यानी कि mass जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा force of attraction होगा. Gravitational force due to earth on an object, mass 1 kilogram placed on the ground is 9.8 newton. ठीक है, यदि हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम है उसके ऊपर एक्ट करता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 9.8 न्यूटन. Every single day.